सो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप जो है सुनाना चाहता हूँ। सेम सिचुएशन ये है कि मनोज देखे आज चैनल पर बहुत व्यूज आते हैं, बहुत से लोग आज सभी यूट्यूबर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब लोग मक्खी मार रहे हैं बस थोड़ा बहुत इधर उधर। सो गाइस, सुन सकते हैं ये बड़े एक यूट्यूबर हैं और छोटे यूट्यूबर के लिए इसका थॉट जो है क्या है। वैसे इस यूट्यूबर के लिए यानी जो है इस सर के बारे में आपका क्या थॉट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ओके। क्योंकि यूट्यूब में जो भी आ रहा है हर एक बंदा जो है काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और होनेस्टली अपने चैनल पे वर्क कर रहा है। सो ये आपके हिसाब से क्या थॉट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड जो है मैं बात कर लेते हैं कि चैनल पे जो स्ट्राइक मिलने का, जैसे कि यहाँ पे जैसे मनोज जी के चैनल पे जो है स्ट्राइक यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है। कुछ स्ट्राइक जो है मिल रहा है उसका जो है कंटेंट की गलती की वजह से, एंड कुछ स्ट्राइक मिल रहा है चैनल के रिपोर्टिंग की वजह से, ओके। सो रिपोर्टिंग क्या होता है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये भी हम बात करने वाले हैं कि आप जो है कैसे इस चीज से स्ट्राइक से बच सकते हैं। आपके चैनल पे देखना है कि कौन सा कंटेंट जो है जो हार्मफुल है। अगर आपके चैनल पे कोई हार्मफुल कंटेंट, कोई डेंजरस कंटेंट अगर आपके चैनल पे अपलोडेड है सो उसके लिए आपके चैनल पे स्ट्राइक मिलने वाला है। सो जैसे कि मनोज के चैनल पे जो है स्ट्राइक मिल रहा है, काफी लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, सही हुआ, ऐसे होना चाहिए। सो गाइस, आपको ऐसा थॉट नहीं रखना है, क्योंकि जो है किसी भी यूट्यूबर के बारे में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक यूट्यूबर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑनेस्टली वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे काम करने में, कोई भी वीडियो अपलोड करने में, कोई भी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा उसके पीछे जो है मेहनत रहता है, ओके। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा हो, हर एक यूट्यूबर अच्छे सक्सेस पे चला जाए, मेरा यही थॉट है। सो गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपके जो चैनल है उसमें क्या यहाँ पे जो है कैसा कॉन्टेंट है जो कि यहाँ स्ट्राइक का कारण बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक चीज सर्च करके दिखा रहा हूँ, इस चीज को यहाँ पे देख लो। जैसे कि देख सकते हैं YouTube में अगर आप जाओगे यहाँ पे अगर सर्च करोगे कि WhatsApp, Facebook या फिर Instagram किसी का भी फोन हैक कैसे करें, सो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा होता है। सो ये जब पूरा कंटेंट है ये पूरा हार्मफुल कंटेंट है, ओके। YouTube के नजर में जैसे ही पड़ता जाएगा ये उसे जो है स्ट्राइक मिलते जाएगा। सो ऐसा कंटेंट आपको अवॉइड करना है, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपलोड करोगे सो एक ना एक दिन इस जो है कंटेंट की वजह से आपके चैनल पे स्ट्राइक मिलेगा, जो कि ऑलरेडी काफी सारे चैनल पे मिल भी चुका है, काफी सारे चैनल जो है डिलीट भी हो चुका है जिसके जो है लाखों मिलियनों सब्सक्राइबर वाला था। आपको ये गलती से बचना है। एंड दूसरा चीज रहता है कि रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है, जैसे कि मेरा ये वीडियो है, अगर मैं किसी के बारे में बहुत ज्यादा खिलाफ करना हूं या फिर ऐसा एक जो है टॉपिक है जिसके बारे में पूरा जो है मैं इल्लीगल यहाँ पे चीज फैला रहा हूँ, सो क्या करेगा जो भी व्यूअर्स होगा उस वीडियो को वॉच करेगा सो उसपे वो क्या करेगा, उसे हक बनता है कि वो रिपोर्ट करे यूट्यूब टीम के पास। सो जैसे वो रिपोर्ट करेगा यूट्यूब के पास जाएगा, यूट्यूब देखने लगेगा। सो ये जो रिपोर्टिंग का काम होता है सिर्फ एक दो बंदा से काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और ओरिजिनल में आपका कंटेंट जो है खराब है, ओके, जिस चीज को मना कर रहा है उस चीज को आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसी चीज को आप सपोर्टिंग कर रहे हैं और जो बहुत ज्यादा लोग जो है उस चीज को यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, सो इस हाल में यूट्यूब एक्शन लेगा और आपके चैनल पे स्ट्राइक मरेगा, ओके, इस चीज को समझना है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है कोई भी कंटेंट ऐसा बैड कंटेंट या फिर ऐसा इलीगल कंटेंट नहीं अपलोड कर रहा हूं, फिर भी एक दो लोग है जो मुझे नहीं जानता है या फिर मुझसे नफरत कर रहा है वो फिर भी मेरे जो है चैनल पे स्ट्राइक देने के लिए वो रिपोर्ट कर रहा है, सो इस हाल में गाइस आपके यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ओके। अगर आपका यहाँ पे चैनल पे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो डेंजरस है, हार्मफुल है और वो रिपोर्ट कर रहा है 1-2%, सो इस हाल में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब उस चीज को देख रहा होता है क्या ओरिजिनल में सही है या फिर ओरिजिनल में गलत है। अगर गलत रहा तो स्ट्राइक मिलेगा, अगर सही रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो आपको जो है घबराना नहीं है। काफी लोग ये सोच रहे हैं, काफी लोगों को यूट्यूबर को कोई लोग जो है धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके चैनल को रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा। रिपोर्ट आप लाखों करो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब खुद उस चीज को देख रहा है, जो यूट्यूब का जो टीम बैठा हुआ है वो वही चीज को फाइंड कर रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे YouTube में आपको सर्च करके दिखाया कि व्हाट्सएप कैसे हैक करे, फोन कैसे हैक करे या फिर किसी का डाटा अपने फोन में कैसे देखे या फिर किसी का भी व्हाट्सएप अपने डिवाइस में कैसे चलाए। सो ये सब जो है वीडियो है ये पूरा इलीगल है, YouTube इस चीज को मना कर रहा है। अगर आपके भी चैनल पे ऑलरेडी इस तरह से वीडियो है तो आपको क्या करना है, इस चीज को रिमूव करना है, प्राइवेट करना है या फिर डिलीट करना है, नहीं तो YouTube के पास जब भी जाएगा, चाहे आज हो या फिर 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो, जब भी जाएगा उसके सामने वो आपको स्ट्राइक दे देगा और उसी के कारण आपके चैनल यहाँ पे डिलीट हो सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। एंड एक दूसरा चीज है उसे भी समझ लो, जैसे कि क्या कर रहा है व्हाट्सएप कैसे हैक करे, ये एक टॉपिक हो गया वीडियो पे वही चीज है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहा है थंबनेल में कुछ और दे रहा है, टाइटल में कुछ और दे रहा है, डिस्क्रिप्शन टैग ये सब पूरा चीज जो है अलग दे रहा है,
यानी व्हाट्सएप टिप्स, व्हाट्सएप सीटिंग्स, इस तरह कुछ बता रहा होता है, और वीडियो में जो रहता है वो हैकिंग से रिलेटेड रहता है। सो इस तरह से भी अगर आप गलती करोगे तो इसमें भी आपको स्ट्राइक मिलेगा, ये 101% है। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं जो थंबनेल कुछ और दे रहा हूँ, टाइटल कुछ और दे रहा हूँ, लेकिन जो अंदर जो कंटेंट है, मेरा जो टॉपिक है वो कुछ और है। सो इस तरह से क्या होगा, यूट्यूब पकड़ने नहीं पाएगा। सो ये आपका गलत थॉट है, इसे आपको चेंज करना है। ओके, सो अगर इस तरह से टॉपिक रहा तो आपको 101% है कि स्ट्राइक आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इस चीज गाइस आपको बचना है अगर आप यूट्यूब पे हमेशा के लिए काम करना चाहते हैं तो। सो गाइस आई होप कि वीडियो से काफी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक के लिए। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ न्यू चीज के बारे में सीखना हो या एक अपडेट के बारे में आपको जानना हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।